This is physics lecture number 11. Myself, Ms. Mehak Fatma. Chapter number 4 हमारा start था force and motion. आज जो हमारे topics हैं वो हैं motions of bodies connected by a strain passing over a frictionless pulley. इसके दो cases हैं. एक हम पढ़ेंगे केस वन व्हेन बोथ बॉडीज मूव वर्टिकली एंड सेकंड केस इसका ये है व्हेन वन ऑफ द बॉडीज मूव वर्टिकली व्हाइल द अदर हॉरिजॉन्टली. केस नंबर वन की तरफ आते हैं व्हेन बोथ द बॉडीज मूव वर्टिकली यानी कि आपके पास ये पुली के साथ दो ऑब्जेक्ट्स अटैच हैं दो मासेस अटैच हैं. इस मास को मैंने ए कह दिया और इस मास को मैंने बी कह दिया. अब ये आपके पास मास m1 है ये आपके पास m2 है. इस पे दो तरह की फोर्सेस एक्ट कर रही हैं. एक आपके पास है वेट जो कि डाउनवर्ड है और एक है टेंशन जो कि अपवर्ड है. अब केस वन हमें क्या बता रहा है. कंसीडर टू बॉडीज ए एंड बी हैविंग अनइक्वल मासेस. इन दोनों का अनइक्वल मासेस है m1 एंड m2. बॉडी ए का मास m1 है बॉडी बी का मास m2 है. कनेक्टेड बाय अ स्ट्रिंग एक रस्सी से दोनों अटैच हैं विद पासेस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली पुली के साथ अटैच हैं और दोनों वर्टिकली अटैच हैं. आप देख रहे हैं कि दोनों वर्टिकली अटैच हैं. सपोज करते हैं कि m1 इज ग्रेटर देन m2 जो m1 है वो m2 से बड़ा है थस द बॉडी ए विल मूव डाउन. क्योंकि अगर m1 बड़ा है तभी तो m1 देखें जिसका वेट बड़ा है वो ज़्यादा डाउनवर्ड है और इसका वेट इसके मुकाबले में हैवी कम है ये थोड़ा लाइट है दैट्स वाई ये अपवर्ड है. ठीक है अच्छा अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है सपोज m1 इज ग्रेटर देन m2 दस द बॉडी ए विल मूव डाउनवर्ड इसीलिए बॉडी ए जो है वो डाउनवर्ड है वाइल द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी बी विल मूव अप विद द सेम एक्सेलरेशन that T is the tension of the string और weight की अपोजिट जो force है हमारे पास वो क्या है tension है. ये diagram मैं आपको समझा चुकी हूँ बता चुकी हूँ. अब motion of a body A ये हम actually derivation कर रहे हैं. basically हम tension and acceleration ये दो values हमें find करनी है. तो वो दोनों values find करने के लिए हमें एक्सीलरेशन भी फाइंड करना है और हमें टेंशन भी फाइंड करना है. ठीक है उसके लिए यह है कि आपको ये पूरी इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी बॉडी ए की भी एंड बॉडी बी की भी. अब बॉडी ए की हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं मोशन ऑफ अ बॉडी ए कौन कौन सी मतलब फोर्सेस उस पर एक्ट कर रही हैं. दो तरह की फोर्सेज एक्ट कर रही हैं. नंबर वन वेट है आपके पास जो कि डाउनवर्ड है और एक टेंशन है जो कि अपवर्ड है. एज अ बॉडी एक्सेलरेट डाउनवर्ड अब बॉडी डाउनवर्ड है तो वेट ज़्यादा है टेंशन से. आप देख रहे हैं कि जो टेंशन की फोर्स है वो बॉडी ए के लिए कम है और वेट ज़्यादा है दैट्स वाई वेट ग्रेटर देन टेंशन. अब वेट भी आपके पास फोर्स है और टेंशन भी आपके पास फोर्स है तो ये दोनों फोर्सेज हैं तो मैं इनको नेट फोर्स इज इक्वल टू नेट फोर्स के इक्वल कर रही हूँ. अब नेट फोर्स की जगह मैंने एफ लगा दिया एफ वन इज इक्वल टू डब्ल्यू वन क्योंकि ये हम बॉडी ए की बात कर रहे हैं मास वन की बात कर रहे हैं दैट्स वाई हम यहाँ पे वन वन लगा देंगे. माइनस टी जो छोटी वैल्यू होती है उसके साथ माइनस आता है. अब हम जानते हैं कि फोर्स बराबर होता है एम ए के और वेट बराबर होता है एम जी के तो हम फोर्स की जगह एम ए लगा देंगे और वेट की जगह एम जी लगा देंगे. मास हम वन की बात कर रहे हैं वन मास के तो यहाँ पर भी वन एंड वन लगा देंगे और इसको इक्वेशन वन का नाम देकर हम छोड़ देंगे. नाउ अब हम मोशन ऑफ द बॉडी बी अब बी बॉडी को सॉल्व करेंगे. इसमें भी दो तरह की फोर्सेस एक्ट कर रही हैं एक आपके पास वेट है और एक आपके पास टेंशन है जो कि अपवर्ड है और जो वेट है वो डाउनवर्ड है. लेकिन अगर आप बॉडी बी की तरफ देखें तो इसका वेट कम है दैट्स वाई टेंशन की फोर्स ज़्यादा है क्योंकि वेट कम है. इसीलिए इस
केस में मोशन ऑफ द बॉडी बी बी जो ब्लॉक की हम बात कर रहे हैं, बी बॉडी की बात कर रहे हैं, उसमें हमारे पास टेंशन की फोर्स ज़्यादा है और वेट कम है. तो टेंशन नहीं, ये दोनों फोर्सेज हैं. ठीक है, मैंने नेट फोर्स को इनको इक्वल कर दिया. नेट फोर्स इज इक्वल टू टेंशन माइनस वेट डब्ल्यू टू. अब ये भी फोर्स है, इसकी जगह मैंने एफ लगा दिया. ये टेंशन है माइनस डब्ल्यू. अब एफ बराबर है एम ए के, यहाँ पे मैंने एम ए लगा दिया. वेट बराबर है एम जी के, यहाँ पर मैंने एम जी लगा दिया. यहाँ पर टू लगा दिया क्योंकि मैं बॉडी टू की बात कर रही हूँ, मैं इस वाली बॉडी की बात कर रही हूँ. ठीक है, बॉडी टू की. दैट सर, मैंने यहाँ पे एम टू और एम टू लगा दिया. इसको इक्वेशन टू का नाम देकर मैंने छोड़ दिया. अब क्या है कि मुझे इन्हीं दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है. ये आपके पास इक्वेशन वन है, इसको याद रखिएगा. इक्वेशन वन आपके पास ये है, इक्वेशन टू आपके पास ये है. अब हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है. ठीक है, इक्वेशन फॉर एक्सेलरेशन एट. अब जब हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है तो मुझे इन दोनों इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा. ऐड करने से मेरा इजीली एक्सेलरेशन की वैल्यू निकल आएगी. क्योंकि ऐड मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि ऐड मैं इसलिए कर रही हूँ इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को, जिससे टेंशन कैंसिल हो जाएगा. और जब हम टेंशन फाइंड करेंगे तब हम एक्सेलरेशन को कैंसिल करेंगे, और जब हम एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे तो उसके लिए हमें टेंशन को कैंसिल आउट करना पड़ेगा. और टेंशन तभी कैंसिल आउट होगा जब मैं इन दोनों इक्वेशंस को आपस में प्लस करूँ. तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड्स को आपस में प्लस किया और दोनों की राइट हैंड साइड्स को आपस में प्लस किया. ये मैंने इक्वेशन लिख दी. अब आप देख रहे हैं यहाँ पर सेकेंड स्टेप में एम वन ए प्लस एम टू ए इज इक्वल टू, एक प्लस का टी आपको नज़र आ रहा है, एक माइनस का टी नज़र आ रहा है. इसको आप कैंसिल कर देंगे तो आपके पास एम वन जी माइनस एम टू जी बस बच जाएगा. ठीक है, ये रह जाएगा. अब आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पर भी ए है और यहाँ पर भी है, आप ए कॉमन निकाल लेंगे. और यहाँ पर आप क्या करेंगे, आपके पास एम वन माइनस एम टू और जी इधर भी है, जी इधर भी है, यहाँ से आप जी कॉमन निकाल लेंगे. तो आपके थर्ड स्टेप में ये इक्वेशन आ जाएगी. यहाँ से ए कॉमन निकालें, यहाँ से जी कॉमन निकालें. अब आपने क्या करना है कि ए के साथ तो ये वैल्यू है एम वन प्लस एम टू, ये ए के साथ एक्सेलरेशन के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो वहाँ पर जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी. तो आपके पास एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एम वन प्लस एम टू अपॉन एम वन प्लस एम टू, और यहाँ पर आपके पास जी ऑलरेडी यहाँ पर था. तो ये आपके पास जो इक्वेशन आई है, ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आई है. ठीक है, अब हम टेंशन फाइंड करते हैं. इक्वेशन फॉर टेंशन टी, और टेंशन फाइंड करने के लिए मुझे इन्हीं दोनों इक्वेशंस वन एंड इक्वेशन टू को आपस में क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा. मैंने इक्वेशन वन ऊपर लिख दी और इक्वेशन टू नीचे इसके लिख दी डिवाइड में. अब एक्सेलरेशन से एक्सेलरेशन जो है क्या हो गया, डिलीट हो गया आप कह लें, या एलिमिनेट हो गया, कैंसिल हो गया. एम वन ए डिवाइडेड बाई एम टू ए इज इक्वल टू एम वन जी माइनस डी टी माइनस एम टू जी. अब इसमें से ए और ए को मैंने कैंसिल कर दिया क्योंकि ऊपर नीचे थे, डिवाइड हो रहे थे, कैंसिल हो गए. सेम वैल्यू थी तो कैंसिल हो गई. अब मेरे पास ये इक्वेशन बन गई एम वन अपॉन एम टू, और यहाँ पर मेरे पास एम वन जी माइनस टी टी माइनस एम टू जी. अब यहाँ पर मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूँगी क्योंकि मुझे टेंशन की वैल्यू निकालनी है. तो ये नीचे वाली वैल्यू एम वन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, इज इक्वल टू एम टू के साथ ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी. अभी M1 इसके साथ भी अंदर मल्टीप्लाई क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है. अभी M1 T के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इस वाली वैल्यू के साथ भी मल्टीप्लाई होगा M2 G के साथ, और M2 M1 G के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और T के साथ भी मल्टीप्लाई होगा. इस तरह से आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, देन सेम जो वैल्यूज होंगी उनको आपस में अरेंज कर देंगे. सेम वैल्यूज़ को इज इक्वल टू के एक तरफ ले आएंगे. जैसे यहाँ पर T वाली वैल्यूज़ को मैंने एक तरफ कर लिया और ग्रेविटी वाली वैल्यूज़ को एक तरफ कर लिया. अब यहाँ से मैंने टी कॉमन निकाल लिया और ये दोनों बिल्कुल सेम वैल्यू सी है, प्लस हो गई, टू हो गए, टू एम प्लस टू एम वन एम टू जी. अब ये मुझे टेंशन की वैल्यू निकालनी है, तो ये जो वैल्यू है वो टी के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो वहाँ पर जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी. तो आपके पास टेंशन की भी इक्वेशन आ गई है. नाउ आपके पास केस टू है. अब केस वन आपको समझ आ गया है. केस वन में आपके पास क्या है, ये हमने एक्सेलरेशन और टेंशन की वैल्यू वो निकाली है जब आपके पास बॉडीज़ दोनों वर्टिकल हो, यानी कि न्यूमेरिकल में जब अगर आपसे कुछ भी पूछा जाएगा, कोई प्रॉब्लम पूछी जा रही है न्यूमेरिकल में, कोई क्वेश्चन है जिसमें आपसे एक्सेलरेशन और टेंशन फाइंड करने के लिए बोला हुआ है, तो अगर वो दोनों बॉडीज़ जो हैं जिनकी वो बात कर रहे हैं वो वर्टिकली अटैच हैं, तो आपको एक्सेलरेशन का ये फॉर्मूला लगाना है और टेंशन का ये फॉर्मूला लगाना है जो मैंने अभी आपको समझाया, जो अभी ड्राइव करवाया.
अब केस टू आपके पास ये है कि व्हेन वन ऑफ द बॉडी इज मूव वर्टिकली, एक बॉडी वर्टिकली मूव कर रही है लेकिन जो दूसरी है वो हॉरिजेंटली कर रही है, ठीक है। तो कंसिडर करते हैं दो बॉडीज हैं ए एंड बी हैविंग अनइक्वल मासेस एम वन एंड एम टू, जो कि एक स्ट्रिंग के साथ अटैच हैं। बॉडी ए जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड है लेकिन जो बॉडी बी है वो हॉरिजेंटली स्मूथ हॉरिजेंटल टेबल टूवर्ड द पुली विद द सेम एक्सेलरेशन। ये देखें, अब एक आपके पास ये पुली है आपके पास और एक बॉडी आपके पास हैंग हुई हुई है, नीचे लटक रही है और दूसरी सरफेस के ऊपर है, ठीक है। अब पहले अब हमें इसमें भी इसके लिए अलग इक्वेशन सॉल्व करनी है, बॉडी ए के लिए एंड बॉडी बी के लिए अलग करनी है, और इन दोनों का फिर एक्सेलरेशन, दोनों इक्वेशन जो निकलेंगी उनसे हमें एक्सेलरेशन भी फाइंड करना है और टेंशन भी फाइंड करना है, जैसे हमने केस वन में किया। अब बॉडी ए अगर आप देखें तो बॉडी ए बिल्कुल सेम केस वन की तरह होगी, केस के ऊपर दो तरह की फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, टेंशन एंड वेट, ठीक है। तो ये हमने यहाँ बता दिया कि दो तरह की फोर्सेस हैं, टू फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी ए, एक आपके पास वेट है जो कि डाउनवर्ड है और एक आपके पास टेंशन है जो ऑफ द स्ट्रिंग जो आपके पास अपवर्ड है। तो वेट ज़्यादा है टेंशन से, डब्ल्यू ग्रेटर देन टी, नेट फोर्स के इक्वल कर देंगे, एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू वन माइनस टी, और एफ बराबर है एम ए के, डब्ल्यू बराबर है एम जी के माइनस टी। इसको इक्वेशन वन का नाम देकर इसको हम छोड़ देंगे, ठीक है। अब इक्वेशन टू की तरफ आते हैं, मोशन ऑफ अ बॉडी। अगर हम बॉडी बी की बात करें, अब आप इस बॉडी बी पर देखें तो तीन तरह की फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, एक आपके पास वेट जो कि डाउनवर्ड है, एक आपके पास नॉर्मल रिएक्शन जो कि अपवर्ड है, एंड देन थर्ड आपके पास है टेंशन, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देखें कि अगर इसका वेट जो है डाउनवर्ड है, और एक मैंने आपको बताया था हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, हर फोर्स अगर एक्शन में फोर्स है तो उसका एक रिएक्शन रिएक्टिव फोर्स भी होगी, अगर एक्टिव फोर्स है तो उसकी एक रिएक्टिव फोर्स भी होती है। तो यहाँ पर देखें कि ये वेट एंड नॉर्मल रिएक्शन ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे की ब्लॉक, ये मतलब दोनों इक्वल फोर्सेज हैं, दैट्स वाई ये जो ब्लॉक है ये बैलेंस है, ये बैलेंस पोजिशन में है, ठीक है। जब तक यहाँ पे फिलहाल सिर्फ एक ही फोर्स लग रही है, मतलब ये दोनों फोर्सेस भी लग रही हैं लेकिन ये दूसरे को कैंसिल आउट कर रही हैं, क्योंकि इन दोनों ये हैं दोनों बिल्कुल इक्वल लेकिन इनकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, नॉर्मल रिएक्शन की अपवर्ड है और वेट की डाउनवर्ड है, और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही हैं क्योंकि ये सरफेस के ऊपर है। अगर ये सरफेस हट जाएगी तो ये नीचे लटक जाएगी, ठीक है, ये नीचे गिर जाएगी, तो एक फोर्स है जिसने उसको गिरने से बचाया हुआ है। तो ये दोनों जो फोर्सेज हैं ये एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल हैं बट अपोजिट हैं, और यहाँ पर जो स्ट्रिंग की जो फोर्स है वो आपके पास क्या है, टेंशन है। तो बॉडी बी में हम ये कहेंगे कि जो वेट है वो नॉर्मल रिएक्शन के इक्वल है, ठीक है। आपके पास तीन तरह की फोर्सेज हैं, डब्ल्यू डाउनवर्ड है, ये आर नॉर्मल रिएक्शन ऑफ सरफेस है, और आपके पास टेंशन जो टेंशन इन द स्ट्रिंग या टी अपवर्ड, W बराबर है R के, नॉर्मल रिएक्शन वेट के बराबर है, तो इसलिए एक दूसरे को कैंसिल आउट ये कर देंगे, ठीक है, क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, दैट्स वाई ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो आपके पास एक जो नेट फोर्स, जस्ट एक ही नेट फोर्स बचेगी जो कि आपके पास टेंशन है, ठीक है, एक ही आपके पास फोर्स होगी जो कि क्या है, टेंशन की फोर्स है। अब आपके पास F बराबर हो गया T के, और एफ जो है वो बराबर होता है एम ए के, यहाँ पे मैं एम ए लगा दूंगी और यहाँ टू से लगाऊंगी क्योंकि बॉडी टू की बात कर रही हूँ, ठीक है। अब आप यहाँ देख रहे हैं ना, ये बात समझ आ गई है ना आपको कि यहाँ सिर्फ एक टेंशन की फोर्स ही लग रही है, दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, यानी कि अगर मैं इस ब्लॉक को खींचूंगी, इसको मैं यहाँ से पुल करूंगी, तो क्या होगा कि ये ब्लॉक इस तरफ आता जाएगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में आएगा, यानी कि एक ही फोर्स एक्ट कर रही है जो कि क्या है, टेंशन की फोर्स है, और बाकी ये दोनों जो फोर्सेज हैं ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही हैं। तो आपके पास ये इक्वेशन टू आ जाएगी, देन सिमिलर जैसे हमने केस वन में किया था कि एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए दोनों इक्वेशंस को सम किया था, प्लस किया था, यहाँ पे भी हम दोनों को प्लस कर देंगे, टी आपके पास कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आप एक्सेलरेशन को कॉमन निकाल लेंगे, और यहाँ से ए अगर एक्सेलरेशन निकालना है एम वन प्लस एम टू वहाँ पर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपके पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला निकल आएगा केस टू के लिए। सेम टेंशन के लिए हम दोनों इक्वेशंस को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे आपस में, यहाँ से एक्सेलरेशन को हमने कैंसिल कर दिया, देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये टी जो है वो एम वन के पास चला गया, ये एम टू इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये आपके पास तरीके से आ गया, मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब टी सेम वैल्यूज को एक तरफ ले आएंगे, इस टी को मैं इधर ले आई, ठीक है, एम वन
प्लस एम वन टी प्लस एम टू टी, यहाँ से मैं टी कॉमन ले लूँगी एंड देन इस वैल्यू को मैं वहाँ जाके डिवाइड कर दूँगी ताकि टी मेरे पास सेपरेट हो जाए, अकेला हो जाए, तो ये मेरे पास टेंशन की भी वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, अब आपके पास ये दो केसेस आपके कंप्लीट हो चुके हैं, इसके आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, कॉपी पे आपने इसको फेयर करना है। तो इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज हैं कुछ, ये जो मैंने आप लोगों के लिए ढूंढ कर यहाँ पर लिखे हैं। फोर्स आपके पास एफ इक्वल्स टू एम ए होता है, वेट आपके पास डब्ल्यू इक्वल्स टू एम जी होता है, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको लेक्चर नंबर 12 में मैंने आपको एग्जांपल बुक की एग्जांपल्स एंड न्यूमेरिकल्स करवाने हैं, तो उसके लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इन फार्मूलाज को रिवाइज़ करें, इनको याद करें। वेट बराबर है डब्ल्यू इक्वल्स टू एम जी, फ्रिक्शन बराबर है एफ इक्वल्स टू म्यू एम जी, मोमेंटम आपके पास बराबर है पी इक्वल्स टू मास इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। केस वन आपके लिए जो हमने एक्सेलरेशन एंड टेंशन निकाला वो ये वैल्यूज़ होती हैं केस वन के लिए, व्हेन बोथ बॉडीज हैंग वर्टिकली। और केस टू के लिए ये कि अगर एक वर्टिकली हैंग है लेकिन दूसरी सरफेस के ऊपर हॉरिजॉन्टली है, तब हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू ये लगानी है, फॉर्मूला ये लगाना है और टेंशन का फॉर्मूला ये लगाना है। एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमारे पास ये होता है कि मास एम वन यू वन प्लस एम क्यू यू टू इज इक्वल टू एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू, यानी कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। टास्क नंबर 11 आपका यह है कि डू प्रैक्टिस एंड राइट दीज केस वन एंड केस टू ऑन योर फिजिक्स फेयर कॉपी। फिजिक्स कॉपी पे आप इसकी प्रैक्टिस लाजमी करेंगे तभी आपको समझ आएगा। ठीक है, इसको लिखना भी है, इसको इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। और आपने आपका थ्योरी वर्क सारा कंप्लीट हो चुका है, अब आपके न्यूमेरिकल्स वगैरह रह गए। न्यूमेरिकल्स एंड बुक एग्जाम्पल्स वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको करवाऊंगी। आपका ये चैप्टर नंबर जो 4 है वो एक किस्म का कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ न्यूमेरिकल्स एंड एग्जाम्पल्स रह गई हैं और थ्योरी वर्क कोई नहीं है। तो आपने ब्लैंक्स और एमसीक्यूज जो आपके चैप्टर के एंड पे मौजूद हैं उसको आपने अच्छे से करना है। समरी भी देख लीजिएगा, समरी में जो डेफिनेशन होती हैं उनको भी अच्छे से रीड कर लिया करें। और ये जो फार्मूलाज हैं इनको बेटा अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि मैं नेक्स्ट लेक्चर में बुक एग्जांपल्स एंड न्यूमेरिकल्स करने हैं। ठीक है, आई होप यू एंजॉयड माय लेक्चर, थैंक यू सो मच, ओके, अल्लाह हाफिज़।